हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं सराज, प्रॉपर्टी टॉक में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो क्राइटेरिया है, मैं आपको इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स दे दूंगा। तो ये वीडियो एंड तक देखिए, और सबसे पहले आपको मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि सबको भी नॉलेज मिलना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना का है। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिए एंड बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, जितने भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सबसे पहले मैं आपको, चलिए शुरू करता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का मैं बता देता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसा है कि आपको तो पता है कि गवर्नमेंट ने रखा हुआ है जो 2,67,000 का जो क्राइटेरिया रखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो सब्सिडी है, जो आप प्रॉपर्टीज बाय करते हैं, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप बाय करते हैं तो उसको ये सब्सिडी लागू होता है। तो सबसे पहले आपको कैसे कि इसमें जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले आपका कि आपका फर्स्ट आपको प्रॉपर्टीज जो है, आप प्रॉपर्टीज बाय करते हैं तो सबसे पहले आपके नाम पे पहला प्रॉपर्टी रहना चाहिए है। दूसरा जो है आपके इसमें जो रजिस्ट्रेशन, मतलब जो प्रॉपर्टी नाम पे है, तो उसमें आपका लेडीज का नाम फर्स्ट रहना चाहिए। लेडीज मतलब आपको, आपका मैरिज हुआ रहेगा तो हस्बैंड वाइफ रह सकते हैं, और बिफोर मैरिज के पहले आप मम्मी को ऐड कर सकते हैं, माँ को ऐड कर सकते हैं, आप और माँ को इसमें ऐड कर सकते हैं बिफोर मैरिज का। ये दो चीजें हो गया है इसमें। और तीसरा जो क्राइटेरिया है इसमें आपका जो इनकम, आपका जो इनकम है, जो मंथली इनकम है, जो सैलरी इनकम है, आपका जो एनुअल इनकम है, इसमें कैसा है कि आपका 50,000 के अंदर रहना चाहिए। 50,000 मतलब 50,000 के ऊपर सैलरी रहेगा तो इसमें क्राइटेरिया नहीं बैठेगा आपका जो प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो क्राइटेरिया है 50,000 के अंदर रहना चाहिए तो ही आपका इसमें आपका ये 2,67,000 का आपका प्रधानमंत्री आवास योजना इसमें क्राइटेरिया बैठ सकता है। और चौथी बात जो है, आप प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है इसमें कैसा है कि अप्रॉक्स एक 6 मंथ लगता है, 6 मंथ कम से कम लगता है। इसमें कैसा है कि 6 मंथ ऐसा है कि आप फर्स्ट मंथ से आपने आपका लोन डिसबर्समेंट हो गया, तो जो लोन डिसबर्समेंट होने के बाद से लेके उसके बाद 6 मंथ का ये ड्यू है, ये टाइम लगता है, टर्म्स है कि इतना 6 मंथ का आता है, तो उसमें से आपका जो लोन अमाउंट रहता है, जो मुद्दल आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है, वो उसमें से माइनस हो जाता है। 2,67,000 उसमें से माइनस हो जाता है, बट वो 6 मंथ के बाद। और ये आपका ये इसमें क्राइटेरिया हो गया। और इसमें कैसा है कि 6 मंथ के बदले में 1 साल भी लगता है, 1.5 साल भी लगता है, 2 साल, कुछ लोगों को ऐसा होगा कि 2 साल भी हो गया उनको अभी तक नहीं मिला, बट वो रीजन कैसा है कि 2 साल जिनको नहीं मिल चुका है उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट थिंग, तो आपने वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना उसका एक्चुअली फॉलोअप लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लोन आपने लिया जो बैंक से, तो जो लोन का बैंक लेने के बाद कि जैसे डिसबर्समेंट हो जाता है, चेक आ जाता है बिल्डर के पास या किसका अमाउंट होता है, उसके बाद आपको फॉलोअप लेना है कि आपका वहां पे फॉर्म अलग से भरना पड़ता है। वहां पे मतलब आपका सेंशन लेटर या फिर ये डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन कॉपी डॉक्यूमेंट लेके, प्रॉपर्टी का पेपर डॉक्यूमेंट लेके वहां पे अलग से फॉर्म भर लेता है। वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो डिपार्टमेंट रहता है उनको वहां पे फॉलोअप लेना पड़ता है, क्योंकि उसका जो फॉलोअप आप बार बार कंटिन्यूस लेंगे तो ही 6 मंथ के बाद आ सकता है। आपने उसका फॉलोअप नहीं लिया होगा तो वो मुश्किल आगे ढकला जाता है, क्योंकि आप जाके वहां पे बैंक से बात करेंगे तो उसको, उनको प्रेशराइज होता है कि यहाँ से हाँ कस्टमर आ रहे हैं, यहाँ पे हमको प्रेशराइज करें, तो वो आगे फॉलोअप लेते रहते हैं, बट आपने फॉलोअप ही नहीं लिया है जाके, तो फिर आपको उतना टाइम जाता ही है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना का ये सिस्टम है, इसमें आपको इसी फॉलोअप में जाके आपको जाना पड़ेगा इसमें। और प्रधानमंत्री आवास योजना का कैसा है कि इसमें आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मुद्दल है आपका, उसमें से 2,67,000 माइनस हो जाएगा उसमें, प्लस आपका जो टर्म्स इयर्स रहेगा, जो 20 इयर्स के लिए होगा या फिर 30 इयर्स के, 20 इयर्स और 15 इयर्स के बीच में रहता है, क्योंकि 25-30 इयर्स आप लिए मतलब लोन अमाउंट को, तो टर्म्स इयर्स रहता है लोन का, तो उसमें क्राइटेरिया नहीं बैठा 25 और 30 के बीच में, आपका 15 इयर्स और 20 इयर्स के क्राइटेरिया में बैठेगा। तो जो जितना आपका अमाउंट है उसमें से माइनस होकर आपका जो ये जो है आपका इयर्स जो है वो कम हो जाएगा आपका, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाएगा, बट आपका जो ईएमआई रहेगा वो आपका सेम रहेगा। ईएमआई अमाउंट कम नहीं होगा, आपका ईएमआई सेम ही रहेगा। तो ये वीडियो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना को कुछ लोगों को पता नहीं है, बट हाँ ये आपको प्रधानमंत्री आवास योजना लागू जब होगा, आपका जो पहला प्रॉपर्टी रहेगा ऑलरेडी आपके प्रॉपर्टी नाम पे रहेगा उसमें लागू नहीं हो पाएगा। तो ये मैं आपको डिटेल्स देना चाहता हूँ।
तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, आने वाले वीडियो आपको अपडेटेड मिलते रहेंगे। नमस्कार।